मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, जहाँ पे आज से कुछ दिनों बाद जो है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 की ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे स्टेज लग चुका है, स्टेज लग रहा है इनफैक्ट, और इसकी हाइट जो है 1.5 से 2 फीट है और तकरीबन ये 50 से 60 इनफैक्ट 70 से 80 फीट चौड़ा है। जो ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार किया गया है, यहाँ पे अभी भी काम जारी है। स्टेज की जो बलाई सतह है वो बनाई जा रही है लकड़ियों से। तो स्टेज के लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे रिहर्सल चल रही है। डोंट डांस, और साइड हो जाओ, डोंट डांस, ठीक है? थोड़ा खुलिए सब लोग। यहाँ पे अभी ये कुछ बॉयज़ हैं जो डांस रिहर्सल कर रहे हैं, शायद ये आइमा बेग के गाने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की ओपनिंग सेरेमनी में कौन से आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं, ऑब्वियस जो है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 का एंथम गाया है, अली अजमत, आसिम अजहर, आरिफ लोहार और हारून, ये चार जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, जो बिल्कुल ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिवली मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, वो हैं आइमा बेग, जिन्होंने लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया दुबई में। उसके अलावा अबरार उलहक, किंग ऑफ भंगड़ा, अबरार उलहक भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, उनका भी एक एक्ट है। उसके अलावा मेन परफॉर्मेंस जो है, मेन परफॉर्मेंस से पहले एक और परफॉर्मेंस भी है, सनम मारवी की। सनम मारवी भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जिनका एक एक्ट है। और जो स्टेज पे मेन परफॉर्मेंस देगा, मेन एक्ट जो होगा, वो होगा नन अदर देन उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जो है स्टेज पे, इस स्टेज पे जो है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की मेन परफॉर्मेंस देंगे। और कहा जा रहा है कि सबसे मेन परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस जो राहत फ़तेह अली खान की होगी। इसके अलावा आइमा बेग का एक एक्ट है, अबरार उलहक का एक एक्ट है, उसके अलावा सनम मारवी का भी एक एक्ट है, बाकी और दो तीन एक्ट जो हैं वो मेन जो परफॉर्मर हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के एंथम के, अबरार उलहक नहीं आसिम अजहर, अली अजमत, हारून और आरिफ लोहार, उनकी परफॉर्मेंस होगी, बट मेन परफॉर्मेंस जो है वो राहत फ़तेह अली खान की होगी। म्यूज़िक परफॉर्मेंस के अलावा यहाँ पे लाइट शो भी किया जाएगा, जिसकी लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं, ये आप बैक पे देख सकते हैं, ये भी लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं। जैसे यहाँ पे अंधेरा हुआ, इनकी रिहर्सल भी की जाएगी। और ये है नेशनल स्टेडियम कराची का टॉप व्यू, जहाँ पे 20 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की ओपनिंग सेरेमनी मार्केट की जाएगी, और उसी दिन पहला मैच भी खेला जाएगा। इस नेशनल स्टेडियम कराची में टोटल 9 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए 4 पिचेस तैयार की गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मेन ग्राउंड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो लश ग्रीन ग्रास जो है तैयार की गई है, और यहाँ पर जो है स्पीकर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और शायद आज रात को यहाँ पे सारी लाइट्स भी लग जाएंगी। इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम में जो ग्रास है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी डेली काम किया जा रहा है, और लश ग्रीन ग्रास जिसे कहते हैं वो यहाँ पे तैयार की गई है। तो ये नेशनल स्टेडियम का स्टाफ जो है वो सुबह शाम दिन रात काम कर रहा है। इस ग्राउंड में टोटल 14 इनक्लोजर्स हैं, और तमाशाइयों के बैठने की तादाद जो है यहाँ पर बताई गई है, वो 34,000 से ऊपर जो है तमाशा इस ग्राउंड में समा सकते हैं, इस ग्राउंड में बैठ सकते हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग जो है, इसके ऊपर भी कुर्सियां, अगर आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, ये जो है यहाँ पे भी कुर्सियां इंस्टॉल कर दी गई हैं। यहाँ पहले सोफे रखे जाते थे वीवीआईपीस के लिए, बट यहाँ पर भी कुर्सियाँ इंस्टॉल कर दी गई हैं, और इनके भी पासेस सेल किए जा रहे हैं। तो यहाँ भी तकरीबन 200 के करीब कुर्सियाँ हैं, और यहाँ पर भी तमाशाई बैठ सकेंगे।